हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि में यदि रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में एक ऐसा पाठ है जो आपके लिए अमृत का काम करेगा। हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे आप बीमार रहते हो, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है नवरात्रि में और इससे और भी क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पहले नवरात्रि से ही शुरू कर दें। लाल रंग का आसन बिछा के या लाल रंग का कोई चद्दर या कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बैठ के आपने माता के सामने, माँ दुर्गा के सामने धूप और दीप जला के, उनको लाल फूल अर्पित करके, मिठाई अर्पित करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे और संकल्प के साथ शुरू करेंगे कि मैं ये पाठ शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे मेरी परेशानियों से माँ दुर्गा मुक्ति दिलाएंगी, या मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, या मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरीके से संकल्प के साथ आपने ये पाठ शुरू करना है कि मैं पूरा पाठ करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपने पाठ शुरू कर देना है। अध्याय शुरू होने से पहले इसमें श्लोक हैं तो सारे श्लोक पढ़ने हैं, कोई भी मिस नहीं करना। पहले पेज से लेके सारी चीज़ें पढ़नी है जो इसमें श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है लाइफ पे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ के सीधा अध्याय पे आ जाते हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले सारे श्लोक पढ़ने हैं, फिर आपने अध्याय शुरू करना है। रोज़ एक अध्याय भी पढ़ेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर पूरी बुक डेली पढ़ेंगे फिर तो बात ही अलग है, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर पूरी बुक आप डेली पढ़ सकते हैं तो। नहीं तो एक अध्याय तो डेली आपने पढ़ना ही है। तो इससे क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, सबसे पहले तो डर से मुक्ति मिलेगी। अगर आप डरे रहते हो, इनसिक्योरिटी है लाइफ में कि पता नहीं आगे क्या होगा, काम अच्छा होगा या नहीं होगा, फैमिली टेंशन्स हैं, तो आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि काम बनने लग जाएंगे। जब काम बनने लग जाएंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, तो कोई डर रहेगा ही नहीं, इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं। दूसरा, शत्रु आपसे डरने लगते हैं। जो लोग डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके शत्रु उनसे डरते हैं, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते शत्रु, और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके शत्रु सबके होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पाठ करना शुरू कर दो, अपने आप वो लोग पीछे हट जाएंगे, थक हार के बैठ जाएंगे, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। नौकरी में या बिजनेस में तरक्की मिलेगी, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी भी मिल जाएगी, पाठ शुरू करके देखो बस, आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर जॉब है, प्रमोशन नहीं हो रही है, वो भी हो जाएगी। अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको इससे बेटर जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपके पास डील्स आनी शुरू हो जाएंगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, तन मन स्वस्थ रहता है जो लोग डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। घर से नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं बहुत टाइम से बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या घर में कोई बीमार है उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो दवाइयों के साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दो, उनको सुनाओ। जो बीमार हैं, पाठ नहीं कर सकते, तो आप पाठ करके उनको सुनाओ, उनकी बीमारी भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। घर से नेगेटिविटी दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डेली जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जैसा भी वास्तु दोष है आपके घर से दूर हो जाएगा, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी आती है, माता दुर्गा रक्षा करती है, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगी, बुरे कर्मों से दूर रखती है।